में दलित बेटी से हैवानियत पर गरमाई, सियासत पीड़ित परिवार से मिलने आज हाथरस जा सकती हैं प्रियंका गांधी। यूपी सरकार ने मुआवजे की रकम में की बढ़ोतरी, अब परिजनों को मिलेंगे 25 लाख, घर देने का भी वादा, लड़की के भाई को ग्रुप सी की नौकरी देगी सरकार। सीएम योगी ने हाथरस कांड की जांच के लिए गठित की 3 सदस्यीय एसआईटी, 7 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। बुधवार की शाम सीएम योगी ने मृत लड़की के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, वारदात पर जताया अफसोस। बोलिए कि इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी और जो धारा है वो धारा जैसी की तैसी रहेंगी, फांसी की सजा की मांग करी है हमने। एनएचआरसी ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी किया नोटिस, हाथरस कांड पर 4 हफ्ते में मांगी विस्तृत रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी, हाथरस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। हाथरस रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, सीबीआई से जांच कराने और केस यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, रात में अंतिम संस्कार पर फूटा गुस्सा। मेरठ में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, हालात काबू में करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी दलित छात्रा से हैवानियत, कॉलेज से लौटते वक्त गैंग रेप, छात्रा की गई जान। छात्रा के परिजनों का आरोप, उसे अगवा कर किया गया गैंग रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस ने छात्रा का कराया पोस्टमार्टम, देर रात हुआ दाह संस्कार। बलरामपुर कांड पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा सरकार हाथरस जैसी लापरवाही और लीपापोती ना करे। आप नेता संजय सिंह ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो सत्ता छोड़ दें योगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर में पुलिस ने किया नजरबंद, बोले पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हाथरस जरूर जाएंगे। राजस्थान के बारे में भी, दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप, कोटा जयपुर अजमेर तक ले जाकर हैवानियत। 3 दिनों तक दोनों नाबालिग बहनों से हैवानियत, लेकिन पुलिस का आरोपों से इनकार, कहा मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं। यौन शोषण के आरोपों में आज अनुराग कश्यप मुंबई पुलिस के सामने होंगे हाजिर, कल भेजा गया था समन। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, जेपी नड्डा के घर अहम बैठक में सीटों को लेकर हुई चर्चा, अगले 1-2 दिन में एनडीए में सीटों के बंटवारे पर होगा फैसला। आज पंजाब में किसान यूनियन और अन्य संगठनों का रेल और ट्रैफिक रोको आंदोलन, अकाली दल का भी साथ। कांग्रेस के दबाव में झुकी उद्धव सरकार, वापस लिया नया कृषि कानून लागू करने का आदेश। बिहार में आचार संहिता के बीच पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी, कार से 1 करोड़ रुपए बरामद। लगातार बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच आज से देश में अनलॉक 5 का आगाज, गृह मंत्रालय ने छूट से संबंधी नई सूची जारी की, कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से खुलेंगे थिएटर। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63 लाख के पार, 52,70,000 से ज्यादा हुई ठीक हुए लोगों की संख्या।